अभी जो सर्किट आप देख रहे हैं ये क्लैपिंग सर्किट है। क्लैपिंग करने के बाद ये आउटपुट शो करता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है, फिर से क्लैपिंग करते हैं तो ये ऑन होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप घर पर ही इसे बना सकते हैं। गाइस इस प्रॉपर सर्किट को आप कुछ स्टेप्स के माध्यम से बना सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं दो BC547 NPN ट्रांजिस्टर, नॉर्मली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो BC547 के जो एमीटर है ये एमीटर दोनों ग्राउंड कर देने हैं, तो इस तरह से आपको ये कनेक्ट कर देना है। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव, ये जो आप देख रहे हैं बैटरी 9 वोल्ट की, आप 12 वोल्ट भी ले सकते हैं। ये हमने माइक के एक नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है, आप माइक को एयरफोन से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर है वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिए हैं। अब ये जो सर्किट आउटपुट को पास आउट करेगा वो कलेक्टर के माध्यम से करेगा, ट्रांजिस्टर नंबर 2 से। तो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए एलईडी की, तो हमने यहाँ पर 100 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे आपको डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है, तो इस तरह से आपको यहाँ से पॉजिटिव लेना है और डायरेक्टली कनेक्टेड कर देना है। तो अभी आपका जो सर्किट है वो 50% तैयार हो चुका है। अभी नॉर्मली हमें एक कैपेसिटर भी लेना है, तो कैपेसिटर से पहले हमें लेना होगा यहाँ पर 10K का एक रेजिस्टेंस जो पॉजिटिव से लेकर माइक के पॉजिटिव पे कनेक्ट आपको करना है गाइस। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसे 10K बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर का पॉजिटिव यानी कि रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है, ये एंड हमने कैपेसिटर के ये 47 माइक्रोफेरड का एक कैपेसिटर 25 वोल्ट का हमने लिया है। और ये जो कैपेसिटर है एक रेजिस्टेंस आपको लेना है जिसे 1 मेगा ओम आप बोल सकते हैं। ये 1 मेगा ओम का आप लगा सकते हैं, आप चाहे तो 500K से ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। ये कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट करके आपको यहाँ पर इसके बेस से कनेक्ट कर देना है। तो आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर आपको दूसरे ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ही आपको कनेक्ट करना है, शायद ये क्लियर हो रहा है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव से एक और रेजिस्टेंस आपको लगाना है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है गाइस 100K। सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं इस सर्किट को। तो इसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी नॉर्मली आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ है, बिल्कुल जैसे कि ड्रॉ किया है इसी तरह से ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव आपको कनेक्ट कर देना है गाइस। नॉर्मली नेगेटिव आपको इसी तरह से कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर क्लैपिंग करता हूँ तो यह सर्किट ऑन हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ऑन होता है, कुछ सेकंड्स के लिए, 7 सेकंड के लिए अभी ऑन हो रहा है क्योंकि अभी 47 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है। तो आप चाहे तो इसका माइक्रोफेरड इंक्रीज कर सकते हैं, देन ये जो टाइमिंग है आउटपुट का ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप 1000 माइक्रोफेरड का यहाँ पर लगाते हैं तो ये कम से कम 1-1.5 मिनट तक ग्लो होता है। तो काफ़ी अच्छा ही सर्किट है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।